गुड मॉर्निंग किड्स। गुड मॉर्निंग सर। अब देखो आज हमारे पास जो एक्टिविटी है वो ये है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब देखो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन वर्ड्स में से एक हमको यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है। वेयर इज द चाइल्ड, पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। वो बोल रहे हैं कि वेयर इज द चाइल्ड, वो बच्चा कहाँ है, पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, जिसके कि माता पिता यहाँ स्कूल में आए हैं, तो क्या आएगा, हुस। ठीक है। आई सॉ मेनी हाउसेज, मैंने बहुत सारे घर देखे हैं, वर क्वाइट स्पेसियस, जो कि क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, हुस आता है लिविंग थिंग्स के लिए, विच। मैथमेटिक्स डैश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इट्स सो इंटरेस्टिंग, दैट इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। द पोयम डैश यू रीड आउट इज सो लवली, Which you read out is so lovely. ठीक है। I know the street dash he lives on. Which that. रुको. I know the street that he lives on. I like reading books. Which dash have pictures in it? No. Which the, I read the books which have pictures in it. The old lady dash I met in your house is my neighbor. Whom? ठीक है। Living things के लिए आता है who और whom, जबकि जो non living things है, मतलब जिन पे कोई प्राण नहीं है, उनके लिए क्या आता है, which आता है उनके लिए। ठीक है, which आ सकता है, whose भी आ सकता है, कहीं कहीं पे देखना पड़ेगा कि किसके लिए क्या आएगा। वैसे आता है whom, who, ये आता है उन लोगों के लिए, जैसे आदमी है या कोई लिविंग थिंग्स है, उनके लिए who या whom आएगा, हुज भी आ सकता है उनके लिए। देखो, कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्शन बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो। व्हाट डू यू थिंक इज द नेम ऑफ द डॉग? वो बोल रहे हैं इस डॉग का नेम क्या है, शेरू। ओके, व्हाई इज ही कॉल्ड दैट? आप उसको शेरू क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसका वो बहादुर होगा, क्योंकि बहादुर होगा। ओके, व्हाट कलर इज सी? व्हाइट। सी हैज व्हाइट कलर। डू यू थिंक सी इज फ्रेंडली? यस आई थिंक सी इज फ्रेंडली। व्हाट डज सी लाइक टू ईट? हाँ, क्या खाना पसंद है उसे? सी लाइक्स टू ईट बोन्स। क्लियर है? राइट अ फ्यू लाइंस ऑन मिट्टू एंड हिज लिटिल डॉग नेम्ड शैडो। ठीक है, यहाँ पर अपनों कोई डॉग है मिट्टू, ठीक है, उसका नाम क्या है, शैडो। उसका नाम शैडो, उसके बारे में आपको एक स्टोरी लिखनी है, यहाँ पे लिख लोगे डॉग के बारे में लिखना है, क्या 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 होते हैं डॉग के क्वालिटीज। अ डॉग हैज टू ईयर्स, टू आईज, वन नोज, वन टंग, फोर लेग्स, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, वन टेल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। लिख लोगे? yes, चलो इनको पढ़ो जरा, एक बच्चा पढ़ेगा। सो सू सू शैडो फिश बस स्लीप 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 दिस वाज सैड सैड विद हिज ब्रश। चलो एक बच्चा इसको पोएम को पढ़ेगा। When the sun shines, I can see my shadow right in front of me. When I walk, my shadow walks. When I hop, my shadow hops. When I jump, my shadow jumps. And when I stop, my shadow stops. ठीक है? अब ये भी कोई ऑथर हैं, लुईस बाइंडर स्कॉट, उन्होंने ये पोयम लिखी है। अब देखो इस पोयम में क्या है, व्हेन द सन शाइंस आई कैन सी, जब मतलब सूरज चमकता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। माई शैडो राइट इन फ्रंट ऑफ मी, और जो मेरी जो शैडो है वो मेरे सामने ही होती है। व्हेन आई वॉक, जब मैं चलता हूँ तो माई शैडो ऑल्सो वॉक्स, जब मैं चलता हूँ तो मेरी शैडो भी चलती है। व्हेन आई हॉप, माई शैडो हॉप्स, जब मैं फुदकता हूँ तो मेरी शैडो भी क्या होती है, फुदकती है। When I jump, my shadow jumps. जब मैं jump करता हूँ, कूदता हूँ, तो मेरी shadow भी कूदती है। When I stop, और जब मैं रुक जाता हूँ, तो मेरी shadow भी रुक जाती है। Clear है? Yes, sir.